हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको कम पैसे में बेस्ट रनर्स के लिए प्री वर्कआउट बताऊंगा। दोस्तों ये प्री वर्कआउट सिर्फ 2 रुपए का है। दोस्तों इस प्री वर्कआउट को यूज करने से जो रनर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और दोस्तों अगर आपको इसको यूज करना है तो इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है, इसका बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा यूज करने का, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, जिससे कि आपको जो आज मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें आपको ठीक से समझ आए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो या पुराने हो, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को दबाओ और अपने भाई को सपोर्ट करो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे ये 2 रुपए की कॉफी प्री वर्कआउट का काम कैसे करता है। दोस्तों कॉफी के अंदर जैसे कि आपको पता ही होगा कैफीन प्रेजेंट होता है। दोस्तों कैफीन का काम यह होता है कि आपकी बॉडी में एक एडिनोसिन नाम का हार्मोन होता है। दोस्तों वो हार्मोन आपको फील करवाती है कि आप थक चुके हो। दोस्तों जब वो हार्मोन आपके दिमाग तक पहुंचता है और आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आप थक चुके हो और आपको अब काम करना बंद करना होगा। दोस्तों ये कैफीन ये काम करता है कि जो एडिनोसिन नाम का जो हार्मोन होता है उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, ताकि वो आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाता और आपके दिमाग को ये भी सिग्नल नहीं दे पाता कि आप थक चुके हो। और दोस्तों आप अपना पूरा वर्कआउट आप एनर्जेटिकली कर पाते हो और पूरा वर्कआउट आप एनर्जी से कर पाते हो। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कॉफी लेने के कुछ बेनिफिट्स जो आपको वर्कआउट के दौरान मिलने वाले हैं। चलो दोस्तों अब देखते हैं बेनिफिट्स। दोस्तों आपका पहला फायदा ये है कि 2 हार्मोन होते हैं, डोपामाइन और ग्लूटामाइन। दोस्तों इनका काम ये होता है कि आपको फील गुड करवाती है, आपको अच्छा महसूस करवाती है। दोस्तों कॉफी का काम यह होता है कि जब हम कॉफी पीते हैं, कॉफी हमारे दिमाग को फोर्स करती है ग्लूटामाइन और डोपामाइन रिलीज करने के लिए, ताकि जब हम वर्कआउट करते टाइम हमें अच्छा फील हो और वर्कआउट हम अच्छे से कर पाए, बिना थके और एंजॉय से वर्कआउट कर पाए। दोस्तों आपका दूसरा फायदा यह है कि दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर आप इसे यूज करके किसी भी फिजिकल या किसी भी कॉम्पिटिशन में जाते हो तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा और आपके रनिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। दोस्तों आपका तीसरा फायदा यह है कि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें आलस सी फील होती है, हमें मन नहीं करता कि वर्कआउट करने जाए, हम एक्टिवनेस से फील नहीं करते। दोस्तों अगर आप इसे 15-20 मिनट पहले पीते हो वर्कआउट से, तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें नहीं होगी और अपना आप वर्कआउट एनर्जेटिकली कर पाओगे। दोस्तों आपका चौथा फायदा ये है कि ये आपके रनिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, आपका स्टेमिना बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है, और दोस्तों जो लॉन्ग रनिंग करते हैं, मेरा मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उनकी स्पीड बढ़ाती है। मेरा मतलब ये है कि जो आप 5 किलोमीटर मार रहे हो सबसे पहले स्लो स्पीड स्पीड स्पीड, आपका ऐसा नहीं होगा, आप एक ही स्पीड में पूरा 5 किलोमीटर खत्म कर पाओगे और आपके अंदर पावर प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों आपका पांचवा और लास्ट फायदा ये है कि दोस्तों ये आपके फैट लॉस में मदद करती है, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देती है, ताकि आपका फैट जल्दी जल्दी लॉस हो पाए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा अगर आप इसे यूज करती हो तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इसे यूज करती हो तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, ना आपको कोई हेल्थ रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं, ना आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे हद से ज्यादा यूज करते हो, लिमिट से बाहर यूज करते हो, तो दोस्तों आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और दोस्तों आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम आएगी, जैसे आपको नींद नहीं आएगी और दोस्तों आपको नर्वस सा फील होगा, कोई भी काम करने जाओगे तो आपके अंदर से नर्वस सा फील होगा और दोस्तों आपको स्ट्रेस और एंजाइटी फील होगा। दोस्तों आपको इस चीज की आदत नहीं लगानी, इस चीज की लत नहीं लगानी। दोस्तों अगर आप इसे रोजाना यूज करते हो तो आप इसके एडिक्ट हो सकते हो, इसलिए दोस्तों आपको इस चीज की लत नहीं लगानी। दोस्तों अगर आप रोजाना यूज करते हो तो आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना आप इतना ले रहे हो इसके आप एडिक्ट हो जाओगे, इतने से आपका कुछ नहीं होगा, उसके बाद आपको इतना लेना पड़ेगा, आप इतना लोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस आपका बढ़ रहा था, आपको एनर्जी फील हो रही थी, आपको एनर्जी फील नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों वो आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको इसे रोज यूज नहीं करना। अगर दोस्तों आप रोज यूज करते हो तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों आपको लिमिट में यूज करना है, जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही आपको यूज करना है। दोस्तों अगर आपको इस चीज की लत लग गई तो आप इसे छोड़ नहीं पाओगे, अगर आप इसे छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपके सर में दर्द होएगा, आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम आएगी, आप सो नहीं पाओगे और दोस्तों आपको स्ट्रेस और एंजाइटी फील होगा। इसलिए दोस्तों आपको इसे तब यूज करना है जब आपको वर्कआउट करने का मन नहीं होगा। जैसे मेरा मतलब यह है कि जब आप सुबह प्रैक्टिस कर ले तो आपको शाम को भी प्रैक्टिस करना होता है, आप थके थके से महसूस करते हो, एनर्जेटिक आप फील नहीं करते,
तब आप इसे यूज कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों जब आपका फिजिकल होगा किसी भी चीज का, आपका कॉम्पिटिशन होगा, तब आप इसे यूज कर सकते हो। दोस्तों आपको इसे रोजाना यूज नहीं करना। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा इस चीज को कब यूज करना है, कैसे यूज करना और बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा इसे यूज करने का। दोस्तों अगर आप इसे यूज करते हो तो आपको 120 मिलीलीटर पानी में से यूज करना है। ये पूरा पैकेट 2 रुपए का आता है, आपको इसे फाड़ना है, इसको 120 मिलीलीटर पानी में इसको डालना है। गर्म पानी होना चाहिए, गर्म पानी में डालना है, उसके बाद अच्छे से इसको घोलना है, उसके बाद आपको पी जाना है। दोस्तों इसके अंदर आपको कोई चीनी नहीं डालना, कोई दूध नहीं डालना, इसको आपको सिर्फ आपको पानी में लेना है। नहीं तो दोस्तों आप इसे दूध में भी ले सकते हो, लेकिन दोस्तों आप चीनी का यूज ना करें। दोस्तों अगर आप चीनी का यूज करते हो तो उसके अंदर शुगर होगा और आपकी फैट जो है वो आपका फैट बढ़ाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप इसे सिर्फ गर्म पानी में लेते हो तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको इस चीज को 300 mg से ज्यादा यूज नहीं करना। 300 mg मतलब दोस्तों 2 कप कॉफी का, 100 मिलीलीटर पानी में 2 कप कॉफी का। दोस्तों अगर आप इसके एडिक्ट हो, अगर आपको इसकी लत लग चुके, आप रोज पीते हो, तो दोस्तों आप पी सकते हो 300 mg से ज्यादा, लेकिन आपको नहीं पीना। इसका दोस्तों आपका डिसएडवांटेज ये है कि आपको इस चीज की लत लग जाएगी और दोस्तों आपको डोसेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों डोसेज बढ़ाओगे तो आपका जो साइड इफेक्ट्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, आप इसे रेगुलर यूज ना करें। दोस्तों हमें वर्कआउट से 15 मिनट पहले कॉफी पीना चाहिए। दोस्तों कॉफी पीने के बाद 15 मिनट बाद आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों ये आपकी बॉडी में 6 घंटे तक रहता है। दोस्तों जैसे कि आज आपने देखा, आज मैंने आपको कॉफी के बारे में बताया, सारी चीजें बताई, बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीजें इसके बारे में बताई। दोस्तों कॉफी मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन दोस्तों लिमिट में यूज करता हूँ। मतलब कि जब मेरा कोई फिजिकल होता है, कोई कॉम्पिटिशन होता है, तब मैं इसे यूज करता हूँ। नहीं तो दोस्तों जब मेरे को वर्कआउट करने का मन नहीं करता, लेकिन तब भी मुझे वर्कआउट करने जाना होता है, तब यूज करता हूँ। दोस्तों ऐसे रोज रोज यूज नहीं करता। दोस्तों अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। नहीं तो दोस्तों ये मेरी इंस्टा की आईडी है, इधर जाके भी आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, अपने भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।